हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं एसटी वर्कशॉप पे और यहाँ पर रमणीक भाई ने जो बनाया है मशीन जिसे हमने नाम दिया है बस वॉशर। ये बस धोने के लिए काम आता है, काफ़ी बढ़िया मशीन है। मैं डिटेल्ड इसके ऊपर आपको सारा पूरा मतलब वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन ये बेसिक एक बस फ़िलहाल जो है वो साफ़ हो रही है। तो आप एक बार देखिए कितना कमाल का मशीन जो है भगवती इक्विपमेंट में बनाया है। तो सारी की सारी जो प्राइवेट बस कंपनियाँ हैं उनके पास खास करके ये होना चाहिए। वैसे अभी जो ये चल रहा है ये GSRTC की बस है, इसका वॉशिंग चल रहा है और हम फिलहाल खड़े हैं राजकोट के ST वर्कशॉप के वर्कशॉप के ऊपर और वहाँ पर ये मशीन जो है वो लगाया है। और दोस्तों, मैंने पहली बार ऐसा मशीन जो है वो लाइव देखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बस वॉश करने के लिए एकदम से बढ़िया है, मतलब बस जाती है अंदर किसी और कंडीशन में और जब वॉश करके बाहर आते हैं तो और ही कंडीशन में बस जो है वो बाहर आती है। आप देख सकते हैं ऊपर भगवती इक्विपमेंट राजकोट लिखा है, इलाइट इन लोग की जो ब्रांड नेम है वो इलाइट है और भगवती इक्विपमेंट जो है वो रमणीक भाई की कंपनी है। और मैं रमणीक भाई की मुलाकात भी करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आगे डिटेल्ड इस मशीन के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। और मैं फ़िलहाल दूसरी बसेस जो हैं वो वॉश हो रही है उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा और उसके बाद जो है हम रमणीक भाई के पास जाएंगे, इसका कॉस्टिंग वगैरह जो क्या है, क्या कीमत में ये पड़ेगी, ये सारी एकदम एंटरटेनिंग है। आप देख सकते हैं आगे तक का वॉश हो गया, अभी वापस से EOT से ये वापस जा रहा है। तो नीचे जो है वो पूरा क्रेन सिस्टम दिया है, आप देख सकते हैं नीचे पूरा बेल्ट वगैरह दिया है। एक क्रेन ही है, आगे आ रही है पीछे जा रही है, रिवर्स फॉरवर्ड पर काम कर रही है और मतलब पानी भी जा रहा है और वॉश भी हो रहा है पूरा, तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए मैं डिटेल आगे भी बताता हूँ और रमणीक भाई की मुलाकात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम गए थे राजकोट ST पर और काफी ही बढ़िया बस वॉशर मैंने देखा लाइफ में पहली बार। इससे पहले जो वीडियो हमने रमणीक भाई को लेकर बनाया था उसमें पहले की प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दी गई थी, लेकिन आज जो मैंने देखा काफी ही कमाल की प्रोडक्ट थी। तो वो प्रोडक्ट रमणीक भाई कहाँ से लाए हैं, मतलब जादू की पुड़िया जैसी प्रोडक्ट थी, कहाँ से लाए हैं, किस तरह से वो वर्क करती है, कितने रुपए की है, वो सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे और कहाँ कहाँ सप्लाई की है। तो रमणीक भाई, वो जो बस धोने की पूरी मशीन आपने बनाई है, ऊपर मैंने वो भी देखा भगवती इक्विपमेंट, मतलब आप ही मैन्युफैक्चरर हो उसके, तो वो कहाँ से, मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया, वो कहीं पर आपने क्या देखी थी और कहाँ कहाँ पर सप्लाई की है और कितने रुपए की है, वो सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। पहले जो हम जो मशीन बनाए हैं, एक पहले KRE इक्विपमेंट वाला दिल्ली में एक मशीन बनाते थे, वो बाहर फॉरेन से लाया, बाद में उसको GSRTC में सप्लाई किया वो मशीन। वो मशीन सर्विस नहीं दे रहे हैं इक्विपमेंट वाला KRE वाला, तो जो GSRTC में मेरा संपर्क किया तो मैंने ये पूरा मशीन डिसमेंटल करके पूरा कंप्लीट करके बनाया मशीन। बाद में मैंने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया मशीन है वॉश करने के लिए, दोनों साइड गाड़ी का वॉश होता है, तो मैंने बोला कि ये मशीन तो बनाने लायक है। तो मैंने ये मशीन बनाया जो GSRTC में सप्लाई किया। बाद में हमारे पास जो नमकीन वाला है वो सब आते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं कि ये मशीन कैसे है क्या है, तो हम बताया कि भाई ये साफ़ सफाई में बहुत बढ़िया है और जो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट जो है साइड में, जो दोनों साइड ले गई नमकीन में, वो एडवर्टाइजमेंट पूरा जो मशीन पूरा साफ होते हैं, तो बहुत बढ़िया जो एडवर्टाइजमेंट का खर्च है नमकीन वाले को वो भी बच जाती है और पूरा जो उसका कंटेनर है वो भी साफ होता है। बस ही स्कूल्स कॉलेजों में जो बस है उसका जो बहुत बस गंदा लगता है वो 2 मिनट में साफ हो जाता है, 2 मिनट में बिल्कुल हाँ। हमने देखा पूरा और उसका जो पानी है बहुत बिगड़ता नहीं है बराबर, वो मतलब वो स्प्रे जो होता है वो स्प्रे और ब्रशेस लगता है उसमें 200-300 लीटर में पूरा हो जाता है बराबर, गाड़ी सफाई हो जाती है बराबर, वो नया वो ऐसा दिखता है और फास्ट और जो उसको ट्रांसपोर्टिंग जो GSRTC के पास वो पूरा करीब 9000 गाड़ी है उसके पास जो साफ सफाई का मशीन है पूरा तो गुजरात में लगाया। हमने देखा कि आपने राजकोट में लगाया था, तो कहीं और भी लगाया है क्या ये मशीन? हाँ, राजकोट में भी लगाया है और गोधरा में लगाया है। अच्छा। और नडियाद में भी लगाया है। अच्छा। और सब जगह के उसका डेपो है वहाँ पे लगाया है। और वैसे कितने का पड़ता है ये मशीन? उसके 10 लाख रुपया जैसी कीमत है उसकी। अच्छा, बहुत, फिर तो बहुत बढ़िया है, मैं तो सोचा 20-25 लाख रुपए का मशीन होगा, इतना बढ़िया सा काम करता है। तो
तो दोस्तों सिर्फ 10 लाख रुपए का है, अगर ट्रेवल्स वगैरह है किसी की तो उसमें भी काम आ सकता है। हाँ, ट्रेवल्स वाला है, कॉलेज वगैरह, कॉलेज बस, स्कूल बस में भी काम आ सकता है, और काफी पानी की खपत जो है वो कम हो जाती है, और अगर कोई बंदा लेकर बैठेगा तो एक बस साफ करने में 1.5 से 2 घंटा कम से कम लगेगा। मतलब अकेला बंदा होगा तो एक दिन लगेगा, लेकिन 3-4 बंदे होंगे तो 1-2 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा, मशीन की तरह काम करेगा फिर भी। और ये तो झट से 2-3 मिनट में कंप्लीट बस वॉश करके बाहर निकल जाएगा, 3-4 मिनट में कंप्लीट वॉश करके गाड़ी बाहर निकल जाएगा, बराबर है। वो तो ऐसे लगता है कि ये जो बड़ा मशीन बनाया है और सब जगह पे स्कूल कॉलेज में तो बहुत काम आती है, बहुत बहुत काम आता है। तो अगर आपकी भी स्कूल है, कॉलेज है या ट्रैवल एजेंसी है तो आप ये मशीन जो है वो रमणीक भाई से परचेज कर सकते हैं, बहुत ही काफ़ी बढ़िया और शानदार मशीन है। जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया है, मैं खुद होकर आया हूँ वहाँ पर। तो ये मशीन आपको कैसा लगा इसकी कॉमेंट ये वीडियो पर ज़रूर से कीजिएगा, अगर आपको चाहिए रमणीक भाई का संपर्क कर सकते हैं आप। लेकिन अभी के लिए वीडियो कैसा लगा इसकी भी कमेंट जरूर से कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल का काम करते हैं, मतलब जिसकी खुद की बस वगैरह हैं उनका काम करते हैं, तो वहां पर शेयर कर दीजिए, शायद उनको कोई काम आ जाए। और याद रखिए दोस्तों, मैं हूँ पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड डियर। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।